हेलो फ्रेंड, मैं सिखाने में सिखाए फ्रिज किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं क्रिस्पी पोटैटो स्लेंडर, जो कि वेज हैं। और चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। ये मैंने लिया है 2 आलू, मीडियम साइज के लिए हैं। इसको हमने अच्छे से बॉईल कर लिया है और इसको अच्छे से मैश कर लिया है। फिर इसके बाद हम लेंगे ये कॉर्न है। कॉर्न को अच्छे से तरह से मैंने मिक्सी में चला लिया है, इसको पीस लिया है। इसको मिलाएंगे, 2 चम्मच हमने इसमें मिला दिया है। और अब हम मिला रहे हैं इसमें आधी शिमला मिर्च है, इसको भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में इसको काट लिया है। इसको भी पूरा मिला देंगे। और ये ली है आधी हमने गाजर ली है, इसको भी हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इसको भी मिला देंगे। और ये है ब्रेड क्रम्ब 1 कटोरी है, इसको भी हम पूरा मिला देंगे इसमें। ये है चावल का आटा और इसको हम 2 चम्मच मिला रहे हैं। और ये लिया है हमने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, इसको भी हम 2 चम्मच भर के डाल देंगे। अब हम इन सब चीजों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। मसाले देख लेते हैं, मसाले मिलाएंगे। इसमें हमने ये लिया है मैगी मसाला, इसको भी हम इस तरह से डाल देंगे। और फिर इसमें हम डाल रहे हैं ये नमक, नमक स्वाद अनुसार। कुछ मसाले डाल देते हैं, 2 चम्मच हमने डाल दिया है जीरा, कश्मीरी लाल मिर्च मिलाएंगे इसमें हम। अब हम इन सब चीजों को और अच्छी तरह से मिला लेंगे। अभी हमने इसका ये पेस्ट बनाकर रेडी कर लिया है। अब इसको हम सिलेंडर शेप देंगे। तो इसके लिए मैंने ऑयल ले लिया है, हाथ में पहले ऑयल लगा लेंगे इस तरह से, और फिर थोड़ा सा लेके हम इसको इस तरह से राउंड राउंड करके ये सिलेंडर शेप दे देंगे इसका हम। देखिए इस तरह से एक बनके हमारा रेडी हो गया है। इसको साइड में रख देंगे और इसी तरह से सारे सिलेंडर शेप हम बनाकर रेडी कर लेंगे। ये पोटैटो सिलेंडर हमने बनाकर रेडी कर लिए हैं सारे। अब इसको हम मैदे के घोल में डिप करेंगे फर्स्ट। इस तरह से हम इसको डिप कर देंगे इसमें और इसे हम ब्रेड क्रम्ब, ये हमने ब्रेड क्रम्ब बना के रखा है, इसको अच्छी तरह से इसकी हम कोटिंग कर देंगे इसमें इस तरह से। और इस तरह से थोड़ा सा आप इसे बहुत संभाल के करिएगा। इस तरह से हमारा रेडी हो गया एक, और इसी तरह से हम सारे बनाकर रेडी करेंगे। ये देखिए हमने ब्रेड क्रम्ब लगाकर हमने अपने पोटैटो सिलेंडर बना लिए हैं। अब हम इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे, फिर इसके बाद हम इसे ऑयल में फ्राई करेंगे। हमारे ब्रेड क्रम की कोटिंग सेट हो गई है अच्छी तरह से। अब इसे हम फ्राई करेंगे, ऑयल में फ्राई करेंगे। ऑयल आप कोई भी ले सकते हैं इसमें। और इसे हम फ्राई करेंगे। अब इसे हम ऑयल में फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर। ये देखिए हमारे अच्छे तरह से फ्राई हो गए हैं। अब इसे हम एक टिश्यू पेपर में निकाल लेंगे प्लेट में। देखिए कितना सुंदर कलर आया है इसका। और इसी तरह से हम सारे फ्राई कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमारे क्रिस्पी पोटैटो सिलेंडर बनकर रेडी हो गए हैं। तो आप भी इसे बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। अगर मेरे वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।